हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर बैक टू क्या आपका योर इन योर क्लास। और फिर अब जब हम लोग पढ़ने लग गए हैं तो एग्जैक्टली अब हम लोगों को ये रहना चाहिए कि अब हम लोग रोज आए मिले, चाहे हम 10 मिनट के लिए ही मिलते हैं, बट फिर भी हमें अब रोज मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं मुझे सुनो आप कि क्या कहते हैं एग्जैक्टली जो तुम लोग की क्लास के पार्ट हैं, जो तुम लोग की सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है, वो तुम लोग मेरे को सुनो। खैर एग्जैक्टली अब हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था। कल मैंने आप लोगों पे छोड़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्रीमेंट, ठीक है ठीक है। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए, समझ रहे हैं आप, किसी भी बिजनेस को करने के लिए कहते हैं बहुत जरूरी होता है हमें ये जानना कि हम अपने उस बिजनेस में अपने आप को स्टैंड कैसे कर सकते हैं। तो स्टैंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम कोई भी ऐसी भूल ना करें, क्योंकि लॉ हमें एक ही चीज सिखाता है कि बिजनेस में हमें हमारे हाथ से कोई भी लापरवाही या भूल ना हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर उस भूल का खामियाजा किसी और को नहीं, केवल केवल जो बिजनेस का क्या कहते हैं जो ऑनर होता है उसको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज हैं या काम करने वाले लोग हैं, वो लोग तो बिजनेस में आएंगे और चले जाएंगे। एग्जैक्टली जो सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा वो किसको भुगतना पड़ेगा, आपके जो मेन बिजनेसमैन होता है उसको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ही एज ए स्टूडेंट, अगर आज आपको पता चलेगा, आज आपको अगर पता चलेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस करने जा रहा है तो उसके लिए किस चीज की इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो आज आपको पता चलेगा, कल आप 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोग पता नहीं कितने लोगों को बताएंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो चीज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं उसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो खैर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। कि कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे हमारा कारण ये होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, हमारा कारण ये होता है कि एग्जैक्टली उस बंदे के साथ हमें कैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट में एंटर हो जाए, एक ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो जाए, एंटर हो जाए, जिसके अंदर एग्जैक्टली सामने वाला बंदा डिनाई ना कर पाए कि उसने ये कहा था या नहीं कहा था। बिकॉज ऑफ यू हैव क्या आपका रिटर्न प्रूफ। अगर कल वो डिनाई करता है तो आप उसको शो कर सकते हो कि भाई ये रहा तेरा क्या कहेगा या तेरी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में एंटर होने का रिटर्न प्रूफ, ठीक है, और इसके ऊपर तू क्या नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना केवल आप अकेले एंटर होते हैं बल्कि सामने वाले बंदे के साथ एंटर होते हैं और दोनों के इनिशियल होते हैं, और ये इनिशियल आपके दोनों की सहमति पर ही क्या किए जाते हैं, आपके करवाए जाते हैं, जब आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो कल मैं आप लोगों को बता रही थी एग्रीमेंट। तो देखिए सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले का स्टेप होता है एग्रीमेंट और एग्रीमेंट से पहले का स्टेप होता है ऑफर। अब मैं आपको ऑफर समझाती हूँ। देखिए जैसे अगर मान के चलिए मुझे किसी को भी कोई भी ऑफर देना है, आ रही मेरी बात समझ में, अगर मुझे किसी को भी कोई ऑफर देना है तो मैं उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करूंगी। पहली बात तो एग्रीमेंट करने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, टू और मोर पर्सन इज देयर, शुड बी देयर, 2 पर्सन का होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, आप लोगों का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आपकी इंटेंशन लीगल होनी चाहिए कि हाँ ऑफर देने के बाद अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो आप फिर बैकआउट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। एक आपकी कंसेंट, आपका जो कंटेंशन होनी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे की जो कंसेंट लें, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री लें, ये नहीं कि आप उसे डराएं धमकाएं या कुछ भी करें। क्लियर हो गया। एक दूसरा, जब आप उसको ऑफर करें तो दैट पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ये सोचेंगे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि दैट पर्सन शुड बी मेजर, मतलब अबव 18, दैट पर्सन शुड बी साउंड माइंड, मतलब सोचने समझने की शक्ति रखने वाला, एंड दैट पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं जब आप किसी को ऑफर कर रहे होते हो, तो जो ऑफर कर रहा होता उसको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करो, ठीक है। तो अगर आपने उसको ऑफर किया है तो आप उसको बताएंगे कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करना है, क्या क्या ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन है, आप ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एंटर इनटू द क्या आपका ऑफर। क्योंकि आप ऑफर दे रहे हैं, आप इनविटेशन टू ऑफर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनविटेशन टू एन ऑफर में तो आप चाहे आधी अधूरी नॉलेज भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा जब उसको पढ़ेगा तो अपने आप आपके पास आएगा और तब आप उसको पूरी तरह से क्या दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। बट अगर आप ऑफर दे रहे हैं
तो आपको उसको एक एक चीज क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। दूसरा, उसके पास आपका ऑफर वैसा ही जाना चाहिए जैसा कि आप देना चाहते हैं, ठीक है। आपने उसको ऑफर दिया, लाइक कोई सब्जी वाला आता है, सब्जी वाला बोलता है कि भिंडी 50 रुपए किलो है, खरीदना चाहते हैं। अगर कोई लेडी आती है और वो कहती है ठीक है भैया दे दो, इट मीन्स दैट लेडी एक्सेप्टेड योर ऑफर। उस लेडी ने आपसे क्या कर लिया, उस ऑफर को एज इट इज ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नाउ इट विल बिकम एग्रीमेंट, ठीक है, टू बोथ ऑफ यू। अब वो एग्रीमेंट बन चुका है, इसका मतलब ये है कि उसने आपके ऑफर को वैसा का वैसा ही क्या किया, एक्सेप्ट किया। इफ द लेडी टोल्ड यू कि नो यू हैव टू गिव मी दैट भिंडी इन 45 रुपीज, तो दैट मीन्स योर ऑफर विल बी लैप्स, आपका ऑफर खत्म हो जाएगा, अब उस लेडी का ऑफर चालू होगा। आ रही मेरी बात समझ में? अब वो लेडी आपको क्या दे रही है, ऑफर दे रही है, अब उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है एज इट इज। क्योंकि जहां पर कोई भी कंडीशन ऑफर के अंदर आ जाती है, जिसने ऑफर दिया होता है उसके सामने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, तो इट मीन्स वो ऑफर क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है, और सामने वाले बंदे ने जो बात कही होती है वो एक नया ऑफर बनकर आपके सामने आ जाता है। क्योंकि सामने वाला बंदा आपके ऑफर में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड नहीं कर सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। क्लियर गाइज? ठीक है, ये वाली बात हो गई आपकी। अब आती है बात कि अगर आपने ऑफर दिया और सामने वाले बंदे ने, जैसे यू आर ऑफरर, अगर ऑफर देने वाला होता है ऑफरर, ठीक है, और जिसने ऑफर लिया वो होता है ऑफरी। आ रही मेरी बात समझ में? वो कौन होता है? ऑफरी होता है। तो क्या अल्टीमेटली ऑफरर एंड ऑफरी, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो अल्टीमेटली जब आप क्या करेंगे, आप जब सामने वाले बंदे जिसने आपको ऑफर दिया, ठीक है, जिसने आपको प्रपोज किया, ठीक है, उसके ऑफर को एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप दोनों के बीच का जो क्या होगा, संबंध होगा, जो अभी तक एक अनजान संबंध था, वो क्या बन जाएगा, एक नॉन रिलेशनशिप बन जाएगा, और आप एक एग्रीमेंट में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। बट जो ऑफरी है वो एक्सेप्टर तब बनेगा जब वो अपनी एक्सेप्टेंस को, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अपनी एक्सेप्टेंस को वो एज इट इज ही क्या कर देगा, कम्युनिकेट करेगा ऑफरर को बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑफरर है उसके पास वो जो जानी चाहिए एक्सेप्टेंस, वो केवल उसी वे में जानी चाहिए जिस तरह से ऑफरर ने आपको कहा था, उतने समय में जानी चाहिए जितने समय का टाइम दिया था, क्लियर हो गया, और उसी तरीके से जानी चाहिए जो तरीका उसने आपको बताया था। आ रही मेरी बात समझ में? तब आपकी एक्सेप्टेंस क्या मानी जाती है, पूरी मानी जाती है। अगर आपको उसने कहा कि आप मुझे मेल करना, आप उसको पोस्ट कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस क्या नहीं होगी, एक्सेप्टेड नहीं होगी। उसने कहा 10 दिन में देना, आप 11वें दिन में दे रहे हो, तो भी आपकी एक्सेप्टेंस क्या नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने जब उस ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो ऑफर क्या बन जाएगा, आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। क्लियर गाइज? मैंने आपको एग्रीमेंट बनाना क्या कर दिया, सिखा दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उस बंदे ने, उस लेडी ने पलट के अपना ऑफर रख दिया, उसको क्या कहते हैं, आप अगर एक्सेप्टेंस में टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बेसिक मतलब जो है, बेसिक मीनिंग जो है, क्या कहते हैं, एग्रीमेंट का, ठीक है, या फिर ऑफर का, ठीक है, वो पूरा समझाने के बाद ही समझाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें अदर चीजें ऐड नहीं करूंगी। आप बस मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनिए, ऑफर का एक्सेप्टेंस सेम वैसे ही होना चाहिए जैसे कि आपको ऑफरर ने कहा है। ऑफरी अगर उन सारी बातों का पालन करता है तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं आपका, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। बट ये एग्रीमेंट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे आगे और फर्दर स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपका क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। और बल्कि इनफैक्ट मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगी कि किस तरीके से या कौन कौन से जो एग्रीमेंट होते हैं, जैसे सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, वो इसमें कवर नहीं होते हैं। तभी मैंने बार बार आपको जो एग्जाम्पल दिया वो बिजनेस एग्जाम्पल दिया, जब हम किसी के साथ किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं और किसी बिजनेस पर्पज से या अदर देन सोशल पर्पज क्या होते हैं, एंटर होते हैं, तभी वो क्या आता है,
एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या बनता है, पार्ट बनता है, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें सोशल एग्रीमेंट्स की तो वो क्या नहीं बनता आपका, इसका पार्ट नहीं बनता। ठीक है, इज इट क्लियर गाइज? चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे कल। ओके बाय, टेक केयर।